प्लैनेट ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आई वेलकम बैक ऑल ऑफ यू ऑन गल एक्सपीरियंस करना चाहूंगी जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, की तैयारी को लेकर हैं पहला एक्सपीरियंस में शेयर करूंगी कि जब मैं आप ही की तरह स्टूडेंट हुआ करती थी और बी कर रही थी और दूसरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं फैकल्टी हो गई और मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया तो यहाँ पर पहली बात यह है कि जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी तो जो हमारे टीचर मास ट्रांसफ़र पढ़ाते थे हीट ट्रांसफ़र पढ़ाते थे तो वो कुछ नोट्स हमें लिखवाते थे और उन नोट्स को वो फ़ोटो करवाने के लिए हमें नहीं देते थे तो एज ए स्टूडेंट मुझे हमेशा ही लगता था कि अगर ये नोट्स हमें मिल जाएंगे तो हम इनको पढ़ के याद करके जो है मार्क्स अपने ले आएंगे और हमारे जो ग्रेडिंग होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी फिर धीरे धीरे उन वो क्योंकि वो जो नोट्स होते थे वो टीचर्स हमें नहीं देते थे तो कभी कभी हमें गुस्सा भी आती थी कि टीचर्स जो है वो नोट्स क्यों नहीं देते लेकिन इसको मैंने तब समझा जब मैं खुद फैकल्टी हो गई और जब मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया तो जब मैंने स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया है हाँ, आप सभी जानते हैं कि मैंने बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बी टेक एम टेक के स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब मैं फैकल्टी हो गई तो मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे जो मैंने बी के टाइम पर अपने नोट्स बनाए थे उन नोट्स को मुझे पढ़ना पड़ता था क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स को अगर बहुत अच्छे से पढ़ाना है तो मींगा टीचर आपको बिल्कुल अपग्रेड होना चाहिए तो वो जो नोट्स मैंने उस टाइम पे बनाए थे वो मेरे काम आए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ठीक है और दूसरी बात जब मैंने और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रप्रेशन करी तो भी वो नोट्स मेरे काम आए तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नोट्स होते हैं वो आप अपने आप से ही प्रपेयर कीजिए और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको जो नोट्स होते हैं वो कैसे बनाने चाहिए और नोट्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स बनाए जाते हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप्स के नोट्स होते हैं अगर मैं बात करूं कि जो नोट्स हैं आपके वो कितने टाइप्स के होते हैं तो यहाँ पर मैंने अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की है और एज अ फैकल्टी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उन्हें मैंटॉलशिप दी है मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अभी तक थ्री टू फोर टाइप के नोट्स बनाए हैं थ्री टाइप्स के नोट्स तो मैंने तब बनाए थे जब मैं स्टूडेंट थी और जब मैंने प्रिपरेशन करी तो मैंने एक और टाइप का नोट्स बनाया वो मैं आपको बताऊंगी तो so, सबसे पहले जो मैंने नोट्स बनाए थे वो बनाए थे क्लास नोट्स उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन करना शुरू किया तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू किए फिर जब मेरी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम्स आने लग गई मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे आगे कैसे अच्छी रैंक लानी है अच्छा स्कोर करना है तो उसके बाद मैंने माइक्रो नोट्स और मिनी नोट्स भी बनाए और उसके बाद जब मैंने गेड के अलावा अदर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन की तो उसके लिए मैंने एग्ज़ाम फोकस्ड नोट्स भी बनाए तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट नोट्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस क्लास नोट्स शॉर्ट नोट्स माइक्रो नोट्स और मिनी नोट्स एंड फोर्थ वन इज द एग्जाम फोकस नोट्स नोट्स अब आप कहिए कि इतने सारे नोट्स बनाने की हमें क्या जरूरत है येस इफ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड रैंक इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दैन यू शुड बी अप टू डेट विद्योरिटिकल कंसेप्ट एज वेल एज विथ नमेरिकल्स तो यहाँ पर जितने भी लोग सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके क्लास नोट्स होते हैं वो आपको कैसे बनाने हैं जब मैं स्टूडेंट थी तो अपनी क्लासेस मैं रेगुलर करती थी कभी भी कोई क्लास मैंने बंक नहीं की ठीक है मतलब कभी नहीं की ठीक है तो क्या होता था कि हम जब रेगुलर क्लासेस जाते हैं तो जो हमारे प्रोफेसर हमें क्लास में पढ़ा रहे होते हैं वो आप अपने नोट्स में बनाते जाइए उनको आप क्लास नोट्स रखिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे थर्मो के जो नोट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि जो ये थर्मो के नोट्स हैं ये आपके क्लास नोट्स हैं ठीक है ये होते हैं आपके क्लास नोट्स अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेरे क्लास नोट्स हैं ये देखो यहाँ पर क्या होता था कि मैं थोड़ा थोड़ा स्पेस जो है वो मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देती थी तो उसके छोड़ने से मुझे बेनिफिट क्या मिलता था कि अगर मेरे प्रोफेसर्स ने कोई चीज़ मिस कर दी है तो मैं इन ब्लैंक पेपर्स में उनको ऐड कर सकूँ तो जैसे ही आप अपना सेमेस्टर प्रोसीड करते हैं अगर फॉर एग्जांपल आपका फ्लूड मैकेनिक्स अभी चल रहा है तो आप फ्लूड मैकेनिक्स के क्लास नोट्स ज़रूर बनाएं अगर आप ऑनलाइन अभी पढ़ाई कर रहे हैं आज के सिनेरियो में तो आप अपने क्लास नोट्स को प्रॉपरली बनाइए और क्लास नोट्स रेगुलर रेगुलरली बनाइए तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि उससे आपके जो नोट्स हैं वो प्रॉपरली तैयार हो जाएंगे उसके बाद मैं क्या करती थी कि जैसे ही हम क्लास से आते हैं तो हम क्या करते थे कि जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती थी हम उसको पढ़ते थे और रेगुलरली पढ़ते थे अभी आज के टाइम में आपको अगर टाइम है आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हो तो आप अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स मैंने बताई हैं उन बुक्स से ज़रूर पढ़ें फॉर एक्ज़ाम्पल आप थर्मोडाइनिक्स पढ़ रहे हो ठीक है तो अगर आप थर्मोडाइनिक्स की सेंजिल से पढ़ रहे हो तो सेंजील ले लीजिए और जैसे ही आप क्लास से आते हैं जो भी आपकी क्लास में नोट्स बनाए हैं आपने उन नोट्स को अपडेट ज़रूर कीजिए जब आप क्लास से आ गए आपने देखा कि हमें टॉपिक पढ़ाया है टाइप्स ऑफ सिस्टम क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम तो आप उस ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम को अपने नोट्स में अगर कुछ आपका क्लास में छूट गया है तो आप उसको जरूर अपडेट कीजिए तो वहाँ से क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड बुक्स में मटेरियल दिया होगा वो आपका जो मटेरियल है जो आपके नोट्स हैं थियोटिकल पोर्शन है न्यूमेरिकल्स पोर्शन के लिए आपके फार्मूले हैं वो अगर कुछ छूट गए हैं तो आप उसको घर में आके लिख लीजिए तो ये तो रहता था क्लास नोट्स के लिए इसके बाद जो क्लास नोट्स जो होते हैं आपके वो पूरे एक सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है एक पूरे सेमेस्टर में आपको थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाया जाता है और आपके क्लास नोट्स बनते हैं और अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इंडियन यूनिवर्सिटी में फोर्टी लेक्चर फोर्टी टू फिफ्टी लेक्चर्स जो हैं वो क्लास में एक सब्जेक्ट के लिए पूरे सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो हमारा जो क्लास नोट्स बनते हैं उसके जो पेजेस होते हैं वो होते हैं मोर देन हंड्रेड और कभी कभी अगर टीचर ने बहुत अच्छे से वो सब्जेक्ट पढ़ाया है आपको तो डेढ़ सौ पेज से लेकर दो सौ पेज तक भी आपके जो क्लास नोट्स हैं वो चले जाते हैं तो इस तरह से आपके पास जो नोट्स बने वो आपके पास डेढ़ सौ से लेकर दो सौ पेजिस का एक नोट्स तैयार हो गया अब ये जो नोट्स हैं आपके हो सकता है कि ये सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए काफ़ी हूँ लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको शॉर्ट नोट्स माइक्रो नोट्स और एग्जाम फोकस्ड नोट्स जो हैं वो ज़रूर बनाने चाहिए अब मैं आपको बताऊंगी कि आप ये शॉर्ट नोट्स इनसे कैसे बनाएं अब जो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं बेसिकली जो शॉर्ट नोट्स मैं बनाती थी वो मैं सारे सब्जेक्ट्स के नहीं बनाती थी अगर मेरी ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग थी तो मेरी ब्रांच में क्या होता है कि जो अधिकतर सब्जेक्ट्स होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड तो होते ही हैं बट उनमें थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जैसे अगर मैं मास ट्रांसफ़र की बात करूँ तो मास ट्रांसफ़र में जब तक आप थ्योरी क्लियर नहीं करोगे अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप न्यूमेरिकल हिला भी नहीं सकते ठीक है तो वहाँ पे क्या होता था कि जो मास ट्रांसफ़र है मैं उसकी पहले थ्योरी पढ़ती थी क्लास नोट्स को पूरा कर लिया उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करते थे तो जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाइए कि जो सिलेबस आपने लिया है गेट का गेट का सिलेबस ले लीजिए ठीक है और क्या कीजिए कि जो भी टॉपिक्स उसमें आ रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है जितने भी नूमेरिकल्स के आपके फार्मूले हैं मैं शॉर्ट नोट्स में उसको डाल देती थी तो इस तरह से क्या होता था कि जो हमारे हंड टू वन फिफ्टी का हमारा क्लास नोट्स होता था उस क्लास नोट्स को मैं चालीस से पचास पेज में कन्वर्ट कर देती थी शॉर्ट नोट्स में तो ये ऐसे बनते थे शॉर्ट नोट्स जितना भी तुम्हारा वो पूरा सेमेस्टर है पूरे सेमेस्टर के नोट्स तैयार हो गए हैं अब उसको हमने क्या किया उसको हमने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया और ये जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं यह आपको साइमल्टेनियसली बनाने होते हैं ऐसा नहीं है कि आज मैंने क्लास क्लास नोट्स बना लिए अब अगले सेमेस्टर में वेट करूंगी कि भाई अगले सेमेस्टर मेरा जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैं तैयारी करूँगी तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँ नहीं ये तरीका गलत होगा जब तुम क्लास नोट्स बनाते हो तो क्लास नोट्स के साथ साथ गेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप देखो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं कितने चैप्टर्स आपको कवर करने हैं और उनको उन पर फोकस करके उनको जरूर आप शॉर्ट नोट्स में लिखो क्योंकि बेसिक तो आपका वहाँ से कवर हो जाना है जो आपके क्लास नोट्स हैं लेकिन शॉर्ट नोट्स में आप वो चीज़ें कवर ज़रूर करो जो आपके गेट में पी में ई में अगर आप पेपर दे रहे हो दूसरी ब्रांचेस के लिए मैं ऐसी एक बात कर रही हूँ तो आपका वहाँ पे कवरेज होना चाहिए तो जो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए वो आपके कैसे होने चाहिए वो आप उसके जो आपके नंबर ऑफ़ पेजेस जाते हैं मेरे जो शॉर्ट नोट्स का नंबर ऑफ़ पेजेस जाता था वो फोर्टी टू फिफ़्टी पेजेस में मैं बनाती थी तो वहाँ पे मैं सारे थ्योरी लिखती थी और सारे कि सारे में उनसे रिलेटेड फार्मूले लिख लिया करती थी अब एक बात ये आती है कि आप पूछोगे कि जो नुमेरिकल्स होते हैं वो हम कहाँ पर सॉल्व करें तो जो मैं शॉर्ट नोट्स बना बनाती थी उसमें मैं नुमेरिकल सॉल्व नहीं करती थी उसमें हम क्या करते थे केवल जो हमारी थोड़ी सी थ्योरी होती थी वो लिखते थे और जो हमारे नुमेरिकल्स होते थे उसके फार्मूले हम लिख लेते थे जो आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है वो आप अपनी क्लास की कॉपी में कीजिए क्लास नोट्स में कीजिए या फिर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए अलग से कॉपी बना सकते हैं तो यहाँ पर आपके क्लास नोट्स तैयार हो गए क्लास नोट्स की हेल्प लेके और स्टैंडर्ड बुक्स की हेल्प ले के आपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर लिया अब मैं बात करूँगी माइक्रो नोट्स की या मिनी नोट्स की और माइक्रो नोट्स और मिनी नोट्स इम्पॉर्टेंट क्यों रहते हैं देखो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तो आपको रेगुलर बेसिस पे फॉर्मूलों का रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपने अगर एक दिन भी रिवीजन नहीं किया तो क्वाल ऑबियस है कि आप चीज़ें धीरे धीरे भूलते जाओगे और आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं होता आपके पास टेन सब्जेक्ट हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गेट की तैयारी करने के लिए और अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए जैसे ई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर जो सिलेबस होता है आपका वो और ज़्यादा वास्ट हो जाता है ठीक है तो आपको उसके लिए भी वहाँ पे अपना टॉपिक्स देखने पड़ते हैं कि ये सब्जेक्ट हमारे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा तो जो माइक्रो नोट्स या मिनी नोट्स की मैं बात कर रही हूँ वो नोट्स ऐसे नोट्स होते हैं जिसमें केवल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आप फार्मूले लिखिए केवल कोई भी थ्योरी उसमें मत लिखो क्योंकि अगर आप थ्योरी वहाँ पे इन्वॉल्व करोगे तो आपको रिवीजन के लिए जो टाइम मिलेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा ठीक है अब अगर नंबर ऑफ़ पेजेस की मैं बात करूं कि जो माइक्रो नोट्स हैं वो मैं कितने पेज में बनाया करती थी तो जो मेरे माइक्रो नोट्स होते थे वो पंद्रह से बीस पेजेस में मैं बनाती थी लेकिन मैं जो बनाती थी वो बहुत टाइम पहले की बात है मुझे कोई बताने वाला नहीं था लेकिन अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आपको मेरे से कोई भी गाइडेंस मिलती है वीडियो देख के तो आप यहाँ पे जो अपने माइक्रो नोट्स या मिनी नोट्स होते हैं उनको 10 से 12 पेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो फॉर वन सब्जेक्ट इसी तरह से आपके अगर दस सब्जेक्ट हैं तो आपको माइक्रो और मिनी नोट्स सारे सब्जेक्ट के बनाने होते हैं शॉर्ट नोट्स ऐसा हो सकता है कि आप केवल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के बनाएं जो बहुत वास्ट सब्जेक्ट होते हैं सबके ना बनाएं लेकिन माइक्रो नोट्स या मिनी नोट्स की अगर मैं बात करूं तो वो सारे सब्जेक्ट के बनाए जाते हैं क्योंकि सारे सब्जेक्ट में आपके फार्मूले होते हैं और उन फार्मूलों के ऊपर आपके नुमेरिकल स्टेट में आते हैं अब मैं बात करूँगी फोर्थ टाइप के नोट्स की जो कि मैंने बहुत बाद में बनाए थे जब मैंने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर दिए थे ठीक है और ये जो नोट्स होते हैं ये नोट्स होते हैं आपके एग्ज़ाम फोकस्ड नोट्स आप में से जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो उनमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जो केवल गेड की तैयारी कर रहे हों केमिकल वाले गेड की तैयारी करते हैं लेकिन अगर आप अदर ब्रांचेस के हैं तो अदर ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करते हैं और अदर पी एस उसकी आई एस आर ओ की, की प्रिपरेशन करते हैं बी ए आर सी की प्रिपरेशन करते हैं केमिकल वाले बी ए आर सी और इसरो की तो करते हैं पर ई एस सी की नहीं करते ठीक है तो यहाँ पे जो ई एस सी का पेपर आता है उसका सिलेबस गेट के सिलेबस से डिफरेंट होता है और उसमें कुछ टॉपिक्स एडेड होते हैं तो ऐसे एग्ज़ाम जिसमें गेट के सिलेबस से ज़्यादा कुछ सिलेबस आता है या उनमें कुछ टॉपिक्स वेरी करते हैं गेड के पैटर्न से तो उसके लिए आपको कुछ एग्ज़ाम फोकस्ड नोट्स बनाने पड़ते हैं जैसे इसरो के लिए आपको अलग से बनाने पड़ सकते हैं बार के, के लिए आपको अगर इंटरव्यू के लिए भी जाना है तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम फोकस नोट्स जरूर बनाने चाहिए जितने भी आपके बी ए आर सी इसरो के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जो रिसर्च बेस्ड पेपर्स होते हैं आपके रिसर्च बेस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं उसके लिए आप एग्ज़ाम फोकस्ड नोट्स जरूर बनाइए अब एग्ज़ाम फोकस नोट्स के लिए आप अलग से कॉपी बनाएं इससे अच्छा ये होगा कि आप क्लास नोट्स के पीछे थोड़े से पेजेस छोड़ दीजिए और वहीं पे जो एग्ज़ाम फोकस नोट्स से रिलेटेड आपके टॉपिक्स आते हैं उनसे रिलेटेड अगर आपने प्रॉब्ले देखे हैं PY की वाई करते समय आप उनको नोट्स कर सकते हैं अदरवाइज़ जो एग्जाम एग्ज़ाम फोकस नोट्स होते हैं आपके वो आपके थर्टी टू फोर्टी पेजेस में बन जाते हैं आप उनको पर्टिकुलर एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बना सकते हैं अगर आप बी का पेपर दे रहे हैं तो बी का सिलेबस देख के और उसमें से आप अपने एग्जाम फोकस नोट्स बना सकते हैं इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम आप थ्योरी लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप फार्मूले लिखें और अगर कोई क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया है रिटर्न uh, एग्ज़ाम्स में तो आप क्या कीजिए क्योंकि बी आर सी का भी रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो केमिकल वालों के लिए भी होता है मैकेनिकल वालों के लिए भी होता है ठीक है वो गेट बेसिस पे भी लेते हैं और अपना एग्ज़ाम भी कराते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका जो लेवल है वो गेट वाला लेवल ना हो लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं तो अगर ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो आप केवल उनके लिए एग्जाम फोकस नोट्स बना सकते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को आगे के वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स शो करने वाली हूँ कि आप क्लास नोट्स कैसे बनाएं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और आप माइक्रो नोट्स कैसे बनाएं ठीक है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए जितने भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को स्किप मत करें ठीक है तो आप इस वीडियो को आगे जरूर फर्दर देखिए तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ फर्स्ट आई विल शो यू द एग्जाम्पल ऑफ क्लास नोट्स दीज आर द्लास नोट्स ऑन थर्मो ऑलवेज यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्ड पेन फॉर मेकिंग योर क्लास नोट्स जब आप डिफरेंट टाइप्स के पेन को यूज़ करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप जब रिविज़न कर रहे होते हैं तो आपको थ्योरी के और नमेरिकल्स के जो की पॉइंट्स होते हैं उन्हें ढूंढने में आसानी रहती है तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगी कि मैंने थर्मोडाइनमिक्स को कैसे बनाया है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ स्पेस जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया है इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब आप अपनी स्टडीज़ कर रहे होते हैं नोट्स बना रहे होते हैं क्लास के लिए और रेगुलर क्लास जा रहे होते हैं तो आपको अगर कोई मटेरियल ऐसा लगता है कि आपका छूट गया है तो वो इसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि हम पढ़ लेते हैं उसके बाद भी हमारा कोई ना कोई टॉपिक जो है वो बचा रह जाता है इसलिए अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो यहाँ पर मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है और मैं यहाँ पर उसको नोट कर लूँगी तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने एनर्जी हीट वर्क यहाँ पे सबको डिफाइन किया हुआ है और बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई वी स्टडी थर्मोडाइनमिक्स इसको मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही छोटे वर्ड्स में हमने एम ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को एक्सप्लेन किया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया है और नीचे आप स्पेस हमेशा थोड़ा सा छोड़ के रखिए अगर आप कभी फैकल्टी बन जाते हैं बच्चों को आप को स्टडीज़ करानी होती हैं उनको नोट्स बनवाने होते हैं तो आप अपना नाम यहाँ पर डाल सकते हैं तो मैंने इसी पर्पज़ से नोट्स बनाए थे क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रही थी तो यहाँ पर मैंने अपना चैनल का नाम डाला हुआ है तो आप देख सकते हैं कि हम मैंने किस तरीके के नोट्स बनाए हैं यहाँ पर मैंने यूनिवर्स के बारे में मेरे को थोड़ा कम मटेरियल मिला था तो मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था कि आगे अगर मैं किसी बुक से पढ़ती हूँ और मुझे कोई मटेरियल मिलता है तो मैं यहाँ पर उसको नोट डाउन कर लूँगी फ़्यूचर में तो इसीलिए आप हमेशा स्पेस जरूर थोड़ा सा छोड़ के रखें यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनमिक सिस्टम के बारे में बताया है क्लोज सिस्टम ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपन सिस्टम के बारे में बताया है आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में मैंने बताया है यहाँ पर मैं एक चार्ट ऐड करना चाह रही थी तो उसको मैंने बना दिया है जैसे ही उस चार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी तो मैं यहाँ पर फील कर दूंगी तो जब भी आप अपना नोट्स बनाते हैं तो आप उसको उसमें कुछ स्पेस जरूर छोड़ें जिससे आपको अगर कोई और मटेरियल लगता है जो आप ऐड करना चाहते हैं कुछ फार्मूले अगर आप ऐड करना चाहते हैं की पॉइंट्स अगर आपके बच गए हैं तो आप यहाँ पर ऐड ऑन उसको कर सकते हैं तो सो हेयर आई विल शो यू द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट नोट्स दिज आर दी शॉर्ट नोट्स ऑन थर्मो जब भी आप शॉर्ट नोट्स को बनाते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कलर्ड पेन जो है वो ज़रूर यूज़ करने चाहिए उससे आपको बेनिफिट मिलेगा रिवीजन के टाइम पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने रेड पेन यूज़ किया हुआ है मैंने ग्रीन पेन भी यहाँ पर यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं आपके की पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर्ड पेन को यूज़ करना चाहिए दूसरा जो आपका मेन पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि जब भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वन पेज आपको करना चाहिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैंने ये नोट्स बनाया है इसमें मैंने पूरे ए फोर शीट को कवर किया है बहुत ही कम स्पेस आपको दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पर छोड़ा है ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा होगा ऐसा करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आपके नंबर ऑफ पेजेस हैं वो कम हो जाएंगे और आपको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको हंड्रेड पेजेस जो हैं वो रिवाइज़ नहीं करने पड़ेंगे हो सकता है आपको पचास या साठ पेज ही रिवाइज करने पड़ें तो यहाँ पर इसीलिए मैंने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वन पेज किया है आगे के पेजेस में आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाए हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने हर पेज को मैक्सिमम यूटिलाइज किया हुआ है अगर आपका कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट करके लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे रहेगा अब यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है इसको मैं और छोटा करके बनाना चाहती थी बट मैंने इसको बड़ा करके इसलिए बनाया है ताकि इसको जब मैं इसका पिक्चर ले सकूं बच्चों को पढ़ाने के लिए तो वो भी मेरे काम आ सके लेकिन आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको चार्ट को छोटा करके बनाइए बड़ा करके मत बनाइए ठीक है इसको बिग साइज़ का मत बनाइए इसी तरह से मैंने यहाँ पर पॉइंट फंक्शंस पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शंस को बहुत ही छोटी-छोटी डेफिनेशन में एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया हुआ है तो आप देख रहे हैं मैंने जो पेपर का यूटिलाइजेशन किया है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया है तो यहाँ सारे ही प्रोसेसेस की मैंने डेफिनेशन विद एग्ज़ाम्पल बहुत ही स्मॉल में लिखी हुई है और सारी चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है ठीक है सो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको माइक्रो नोट्स या मिनी नोट्स कैसे बनाने हैं सो हेयर आई विल शो यू द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो नोट्स और मिनी नोट्स माइक्रो नोट्स और मिनी नोट्स को आप कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ जब भी आप माइक्रो नोट्स बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि माइक्रो नोट्स को आप 10 से 12 पेज में या मैक्सिमम 15 पेजिस में ही बनाएं जिससे आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये मिलता है कि आप इनको ईजिली रिवाइज कर सकते हैं डेली बेसिस पर अदरवाइज आपको लगेगा बहुत सारे पेजेस हैं तो आप उसको रिवाइज करने से बार बार बचते रहेंगे और ये जो नोट्स होते हैं ये अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी आप इनको अपने पास रख सकते हैं ये बहुत ही हैंडी बनाने चाहिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो माइक्रो नोट्स हैं या जो मेरे ये मिनी नोट्स हैं उनमें केवल फार्मूले लिखे हुए हैं और उन इम्पॉर्टेंट फार्मूले के नाम लिखे हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर ये मेयर रिलेशनशिप होता है तो यहाँ पर गामा का क्या रिलेशन है और इन सब का आपस में क्या रिलेशन है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं तो जब भी आप नोट्स बनाते हैं आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ही कम उसमें थ्योरी लिखें या फिर थ्योरी बिल्कुल ना लिखें और केवल उसमें फॉर्मूले आप रिवाइज़ करने के लिए लिखें तो यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ गामा जो है वो मैंने लिखी हुई है गिफ्ट फेस रूल को मैंने बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है और जो वाटर के लिए और एयर के लिए सी और सी की वैल्यूज़ होती हैं गामा की वैल्यूज़ होती हैं वो मैंने यहाँ पर मैंशन कर दी हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो एक बहुत ही ख़ास बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है नोट्स के रिस्पेक्ट में वो ये है कि आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है तो ये जो थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है ये इसलिए छोड़ा है कि अगर मेरा कोई फार्मूला छूट जाता है या मैं कोई पी वाई क्यू सोल्व करती हूँ और उन पी वाई क्यूज को सॉल्व करते समय मुझे कोई फार्मूला ध्यान आता है कि ये फार्मूला इसमें लग रहा है तो मैं उसको यहाँ पर लिख लूँगी तो इसीलिए जब भी आप अपने माइक्रो नोट्स बनाते हो तो थोड़ा सा स्पेस ज़रूर छोड़ना उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है या कोई नई चीज़ आपके सामने आती है फार्मूले की फ़ॉर्म में या किसी वैल्यू के फॉर्म में जिसकी वैल्यू आपको लिखनी है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं